MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग, एक ऐसी मार्केटिंग जिसमें कंपनी आम पब्लिक के थ्रू मार्केटिंग कर अपने बिजनेस को बढ़ाती है, जिसमें कंपनी को हो रहे प्रॉफिट से वो कुछ पैसे उन लोगों को देती है जो उस कंपनी से दूसरे लोगों को जोड़ता है। ऐसे कई कंपनीज है जो MLM मार्केटिंग कर पब्लिक के साथ स्कैम कर चुकी है। कई लोग है जो इस जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि फेक कंपनीज जब MLM चलाती है तो MLM का एक लेवल ऐसा आता है जहां कंपनीज बंद हो जाती है और कंपनी का मालिक MLM से चला रहे लोगों के पैसे से ही करोड़ों कमा लेता है और उसमें शामिल लोगों का पैसा डूब जाता है। सरकार ने MLM चला रहे कंपनीज के लिए कुछ गाइडलाइंस निकाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फ्रॉड होते हैं। तो MLM की मार्केटिंग होती क्या है, इसकी लेवल कैसे आगे बढ़ता है, इसमें लोगों को किस तरह फंसाया जाता है और कैसे एक लेवल के बाद इसका टूटना तय है, इसके अलावा हम जानेंगे कि आप लीगल और इलीगल MLM को कैसे पहचान सकते हैं, गवर्नमेंट ने क्या गाइडलाइन निकाले हैं जो हर MLM कंपनीज को फॉलो करना जरूरी है। जानेंगे ये सब, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। जानेंगे MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग की ये मॉडल होती क्या है। तो इसमें होता ये है कि किसी कंपनी का एक ओनर है जिसने 3 लोगों को ढूंढा और उनसे कहा कि तुम मुझे 1,000, 2,000 या 4,000 जो भी उनके अमाउंट होगी इतने रुपए दो और तुम्हें कुछ दिन बाद इसका डबल या ट्रिपल मिलेगा। और साथ में उनसे ये भी कहा कि तुम तीनों और 3-3 बंदे को ढूंढ कर इस कंपनी से जोड़ो जिससे तुम्हें कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे यानी कमीशन मिलेंगे। इस तरह एक ने 3 को जोड़ा, 3 ने 9 को जोड़ा, 9 ने 3-3 करके 27 बंदों को जोड़ा और इस तरह ये लेवल बढ़ता रहता है जो एक पिरामिड शेप में हो जाता है। अब होता ये है कि जो पहला बंदा है यानी जो ओनर है वो माला माल हो जाता है क्योंकि पैसे उसके अकाउंट में जाते हैं और उसके नीचे 2 या 3 लेवल के लोगों को कुछ पैसे मिलते हैं ताकि लेवल बढ़ता रहे। और जब उसके ओनर के मन मुताबिक पैसा इकट्ठा हो जाते हैं तो वो इस कंपनी को बंद करके सारे पैसे लेकर भाग जाता है और जितने लोगों ने इसमें पैसा डबल होने के लिए पैसे दिए थे उन्हें अपने दिए पैसे वापस नहीं मिलते। ज्यादातर कंपनीज इसी तरह से स्कैम करती थी और जब ये बात ज्यादा हो गया और सरकार को इसकी खबर लगी तब सरकार ने इस पर एक्शन लेने की सोची और एक्शन लेते हुए 1978 में प्राइस चिट और मनी सर्कुलेशन स्कीम के अंतर्गत इस तरह के MLM बनाकर ज्यादा इंटरेस्ट देने का वादा करने और पैसे लेने की इस स्कीम को बंद कर दिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि जिसे चोरी करनी होती है वो किसी भी तरह से चोरी करने का तरीका ढूंढ ही लेता है। अब पैसे के लेन देन में MLM बनाना बंद हो चुका था लेकिन प्रोडक्ट बेचने को लेकर कहीं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। अब यहाँ MLM की स्टोरी थोड़ी चेंज हो जाती है और पैसों की जगह प्रोडक्ट आ जाता है और अब ये प्रोडक्ट बेचकर आपके इमोशन, टाइम, ड्रीम के साथ खिलवाड़ करते हैं और प्रोडक्ट के नाम पर लोगों को लूटने के लिए ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो डेली लाइफ में यूज किया जाता है, जैसे साबुन, तेल, फेस वॉश और ऐसे ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। अब बारी है इन्हें बेचने की, लेकिन इन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए इन्होंने कोई सेल्समैन नहीं रखा बल्कि आम पब्लिक से ही कहा कि आप मेरे प्रोडक्ट्स को खरीदो और फिर इन्हें दूसरों से खरीदवाओ और बदले में कमीशन पाओ। अब यहाँ फिर से वो MLM की लेवल बनती गई और प्रोडक्ट्स की प्राइस भी आपको ऐसे मिलेंगे कि 1,000 का प्रोडक्ट 5,000 में, 2,000 का प्रोडक्ट 8,000 में। इस तरह की कंपनीज पैसों के बदले प्रोडक्ट बेचकर लूटती है लोगों को। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि लोग इसकी जाल में इतनी आसानी से फंस कैसे जाते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये टारगेट ही करते हैं लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोगों को और उन्हें अपने MLM स्कीम के जरिए बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। बड़े सपने मतलब बहुत बड़े सपने, जैसे करोड़पति बनने का सपना, बस एक साल काम करके BMW और मर्सिडीज खरीदने का सपना। और आपको एक ऐसे आदमी से मिलवाया भी जाता है जो अपने गरीबी से करोड़पति बनने तक की कहानी सुनाता है और आपको ये बताता है कि कैसे इस MLM से जुड़कर उसकी जिंदगी चमक गई। मतलब आपके माइंड को इस तरह वॉश कर दिया जाता है कि आपको सब कुछ सच लगने लगता है और आप सोचोगे कि इस MLM से जुड़कर आपकी लाइफ बस सेटल हो जाएगी और इस तरह आप इस MLM के जाल में फंस जाते हैं जहां से आपकी अमीर बनना तो दूर की बात है, आपने जो महंगे प्रोडक्ट्स खरीदे थे वो पैसे भी रिकवर नहीं होते हैं। अब सरकार को इस तरह के प्रोडक्ट्स बेचकर MLM बनाकर लोगों को ठगने की खबर लगी तब सरकार ने एक बार फिर से इस पर एक्शन लिया। लेकिन इस बार एक्शन लेते हुए MLM कंपनी
कंपनीज को बंद नहीं किया गया, क्योंकि इस फ्रॉड कंपनीज के बीच कई जेन्युइन कंपनीज भी है जो जेन्युइनली इस तरह के MLM चलाते हैं और लोगों को उनसे जुड़कर फायदा भी होता है। इन्हीं जेन्युइन कंपनीज और उनसे जुड़े लोगों को नुकसान न हो इसलिए सरकार इस MLM पर बैन नहीं लगा सकी, लेकिन कुछ गाइडलाइंस निकाले हैं जो हर MLM चलाने वाले कंपनीज को फॉलो करना होता है और ये गाइडलाइंस ऐसे हैं जो फ्रॉड कंपनीज कभी भी इसे फॉलो नहीं करेगी। हम सभी को MLM से जुड़ने से पहले इन गाइडलाइंस का पता होना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि वो कंपनी इन सारे गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो करती है या नहीं। क्या है ये गाइडलाइंस ये हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप में से कोई इस तरह की फेक MLM की स्कीम में फंस चुका है या ऐसा कोई MLM मेंबर है जो जेन्युइन है तो उस कंपनी का नाम हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अब चलते हैं गाइडलाइंस की तरफ जो सरकार ने 28 दिसंबर 2021 को पब्लिश किया है, जिसमें पहला पॉइंट ये है कि अगर कोई कंपनी किसी भी तरह की कमिटमेंट करती है चाहे अपने एडवर्टीजमेंट के थ्रू या प्रोडक्ट सेल करते समय तो उस कमिटमेंट को पूरा करना ही होगा, वो कमिटमेंट करके आपसे मुकर नहीं सकती। जैसे कि अगर कोई कंपनी आपसे कहती है कि वो 6 महीने बाद या साल भर बाद आपको इतने रुपए देगी या गिफ्ट देगी तो उसे देना ही पड़ेगा। सेकेंड रूल ये है कि उस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले आपको टोटल कितने रुपए देने हैं ये उस कंपनी को एक बार में ही बताना पड़ेगा, वो भी ज्वाइन करने से पहले। ये नहीं होना चाहिए कि पहले कंपनी आपसे ज्वाइन करने के लिए 1,000 या 2,000 रुपए ले ले और फिर बाद में नए नए स्कीम बताकर आपसे और ज्यादा पैसे लेते रहे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आप अपने प्रॉफिट के लिए उनके मांगे गए पैसे देते रहेंगे और उनके जाल में फंसते चले जाएंगे। इसके अलावा जो फेक कंपनीज है वो पहले कहती है कि उसके कंपनीज में कोई कंडीशंस नहीं है, आपको बिना किसी कंडीशन के आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन कंपनी ज्वाइन करने के बाद आपको पता चलता है कि यहाँ बहुत सारे कंडीशंस हैं जिन्हें पूरा किए बिना आपको पैसा नहीं मिल सकता। तो गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार अगर कंपनी की कोई कंडीशन है तो उसे सब कुछ पहले ही बताना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर गाइडलाइन ये कहता है कि अगर आप किसी MLM कंपनी के प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो उस कंपनी को आपको पैसे वापस करने होंगे, वो भी बिना किसी को उस MLM में जोड़े, बिना किसी कंडीशन के और बिना समय गवाए। पांचवा पॉइंट ये है कि उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कंपनी आपके ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं बना सकती और अगर आप उसे नहीं बेचते हैं तो कंपनी आप पर या आपके द्वारा दिए गए पैसों पर इसके लिए कोई कंडीशंस नहीं लगा सकता। ये उस गाइडलाइन के कुछ पॉइंट्स हैं जो सरकार ने निकाले हैं ताकि अनएथिकल कंपनीज लोगों के साथ स्कैम ना कर सके, लेकिन इसके अलावा और कई सारे पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर आप लीगल और इलीगल कंपनीज की पहचान कर सकते हैं। जैसे ज्यादातर इलीगल कंपनीज बड़े बड़े वादे करते हैं जिसे वो कभी पूरा नहीं करते, जैसे 6 महीने इस कंपनी में रहने के बाद आपके पास लाखों रुपए आ सकते हैं, अगर आपने 20 मेंबर को ज्वाइन करवाया तो इतने पैसे मिलेंगे, इतने कमीशन मिलेंगे कि आपकी किस्मत पलट जाएगी। अगर इस तरह की वादे किए जाते हैं तो समझ जाना कि कंपनी आपका पैसा डुबाने वाली है, क्योंकि जेन्युइन कंपनी कभी भी झूठे वादे नहीं करते, वो आपको उतना ही कमीशन देगी जितना आपने प्रोडक्ट सेल किया है। अगर आप MLM कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आपको उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लीगल कंपनी का मेन फोकस अपने प्रोडक्ट की सेलिंग होती है, इसलिए वो ऐसी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाती है जो लोगों को पसंद आए और आगे भी वो इसे खरीदे। लेकिन इलीगल कंपनीज को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से कोई मतलब नहीं होती, क्योंकि उनका मेन मकसद प्रोडक्ट बेचना नहीं बल्कि ज्यादा लोगों को जोड़कर उनसे पैसा लेना होता है। MLM की प्रोडक्ट की प्राइस रीजनेबल होती है, वो मार्केट के प्राइस से मिलता जुलता होता है, लेकिन अनएथिकल MLM के प्रोडक्ट के प्राइस में आपको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। सपोज अगर एक फेस वॉश है जो मार्केट में आपको 250 से 300 रुपए के बीच मिल जाएगा, वही आपको अनएथिकल MLM वाले 1000 या 1500 रुपए में देंगे। तो जब भी मार्केट के प्राइस में और MLM के प्रोडक्ट के प्राइस में इस तरह का बड़ा डिफरेंस मिले तो इनसे दूर रहें और अपना पैसा सेफ रखें, क्योंकि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पैसा कहां से दे रहे हैं, आपने अपने पॉकेट मनी को बचा कर पैसा जमा किया है या अपने दोस्तों से उधार मांगा है या कहीं ब्याज पर पैसे लिए हैं, वो आपकी टेंशन है, इन्हें बस मतलब होता है आपके पैसे जमा करने से। और जब MLM को ज्वाइन करने के कुछ समय बाद आपके पैसे रिकवर नहीं होते हैं तब आप खुद परेशान तो रहते ही हैं, आपके रिकमेंड से जिन लोगों ने MLM ज्वाइन किया था वो भी आपको परेशान करते हैं और लास्ट में थक हार कर आपको उस कंपनी और अपने पैसों को छोड़ने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो सतर्क रहिए, ऐसे अनएथिकल और इलीगल MLM से सावधान रहिए और किसी भी MLM को ज्वाइन करने से पहले हमारी बताई बातों से उसकी तुलना जरूर करें। दोस्तों ऐसी कोई फेक MLM कंपनी अगर आप जानते हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ
जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं स्मार्ट स्टडी के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।